डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग एंड स्टैंडिंग वेव्स, एनसीईआरटी में आ जाता है दोनों में क्या डिफरेंस लिखने को आता है। कई बार नोड एंटी नोड डेरिवेशन नहीं आती है डाल देते हैं स्कूल में, क्या इन स्टैंडिंग वेव्स पार्टिकल एट नोड्स ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट, तो नोड के पार्टिकल हर वक्त किस पे रहते हैं एट रेस्ट। ट्रैवलिंग वेव में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई पार्टिकल सदा ही रेस्ट पे रहे, वही सेम केस है, पी की बारी आएगी ऊपर नीचे नीचे ऊपर, क्यू की बारी आएगी सेम पैटर्न है, रेस्ट पे परमानेंट रहने का कोई मतलब ही नहीं है ट्रैवलिंग वेव में। नेक्स्ट है, ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू अनदर, बट इन स्टैंडिंग वेव एनर्जी ऑफ वेव इज ऑलवेज कन्फाइंड इन दैट रीजन। ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी आगे ट्रेवल करती है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में एक लूप बन जाता है, वो एनर्जी लूप में ही रहती है, दूसरी एनर्जी लूप में रहती है, पहली एनर्जी सेकेंड फर्स्ट लूप से सेकेंड लूप में ट्रेवल नहीं कर पाती, वहीं पर फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है, इन स्टैंडिंग वेव ऑल पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजिशन टुगेदर, जैसे सारे मान लो एंटी नोड्स हैं वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो सारे के सारे इकट्ठे ऊपर जाएंगे इकट्ठे नीचे आएंगे, जबकि ट्रैवलिंग वे में ऐसा नहीं है, जब जिसका नंबर आएगा वो उसी टाइम ऊपर नीचे जाएगा, इकट्ठे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सुपर पोजिशन तो हो नहीं रही। तो ये डिफरेंसेस आप लिख सकते हो इसके अंदर।